हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग में हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस की। मतलब कि जब आपके स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हों तो उनकी हायरार्की को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि किसी अर्थमेटिक स्टेटमेंट में क्या होता है, अच्छा पहले हम टॉपिक लिख देते हैं, हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, अब इसमें जो क्या होता है कि जब कोई अर्थमेटिक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है जिसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स हो, तो क्या होता है कि कभी कभी उसके इवेल्युएशन में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है मतलब इश्यूज आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मान लीजिए, सपोज कीजिए हमने कहा कि हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है 2 × x − 3 × y। अब इसकी मीनिंग क्या होती है इस मैथमेटिकल इक्वेशन की, हमें पता है कि ये होती है 2x − 3y, ये होती है। अब लेकिन ये तो हमें पता है ना, कंप्यूटर को नहीं मालूम है ये चीज़। ठीक है, ये भी हो सकती है। या हमने कहा कि मान लीजिए उसने इस तरह ले लिया कि 2 और x − 3y, ठीक है, ये भी कन्फ्यूज़न हो सकता है। या मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम और लें, किसे सपोज कीजिए हम लिखा a/b × c, ऐसे हमने लिखा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ a/b × c या a/b × c। ठीक है, तो यानी कि ये कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। और आपको मालूम है, मैंने आपको शुरू में ही बताया हुआ है कि कंप्यूटर, चाहे आपके पास जितना पावरफुल कंप्यूटर हो, चाहे जो हो, आज की डेट तक सीन ये है कि कोई भी कंप्यूटर, चाहे वो आपके पास छोटा कंप्यूटर हो चाहे पावरफुल कंप्यूटर हो, काम वो उतना ही करेगा जितने का उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अब इसमें प्रॉब्लम आएगी कि भाई अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उसको वो ये मान के एग्जीक्यूट करे या ये मान के, दोनों में वैल्यू आपको देख रहे हैं चेंज हो जाएगी। नहीं से सपोज कीजिए, आपको जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए हमने कहा कि लेट x = कुछ कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सपोज कीजिए x = 5 हमने कहा और y = हमने दे दिया 2। ठीक, अब अगर ये मीनिंग लेता है तो क्या आएगा, दो पंज सीधा ही मुख कर दे रहे हैं हम, 2 × 5 = 10 आया और −2 × 3 = 6 आया, आंसर आया 4। ठीक, और अगर वो इसको ये मानता है तो क्या आएगा, देखिए 2 × 5 − 2 × 6, तो ये आएगा 5 में 6 = 1, −2। अब देखिए दोनों को अगर ये लेगा तो ये वैल्यू आ रही है और ये लेगा तो ये वैल्यू आ रही है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। समझ रहे हैं आप? तो जब ये प्रॉब्लम आ सकती है तो मुद्दा यह है कि इसको कौन डिसाइड, हु विल डिसाइड कि क्या लेना है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस कह लीजिए, या इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हायरार्की ऑफ ऑपरेशन सेट किया गया, या हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, कि उसमें पहले से डिफाइन कर दिया गया है कि कौन सा ऑपरेशन पहले होगा और कौन सा बाद में होगा। तो यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि हायरार्की ऑफ ऑपरेशन क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि द प्रायोरिटी और प्रिसिडेंस इन विच द ऑपरेशन इन एन अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स आर परफॉर्म इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ ऑपरेशन। मतलब वो प्रायोरिटी या वो प्रिसिडेंस जिसके हिसाब से किसी अर्थमेटिक स्टेटमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, उसको हायरार्की ऑफ ऑपरेशन कहते हैं। क्लियर? अब अगर हम कॉमनली यूज जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, वो हमें मालूम है कि क्या है, से प्लस माइनस और आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और बहुत हुआ ये असाइनमेंट ऑपरेटर, कॉमनली यूज यही ऑपरेटर्स हैं। तो इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो देखिए इस ऑर्डर पे सेट की जाती है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक सीधा सीधा हम आपको टेबल ही बना के समझा दें, प्रायोरिटी, और यहाँ हम लिख दें कि ऑपरेशन या ऑपरेटर, और यहाँ हम लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन तो आपको पता ही है कौन सा ऑपरेटर किस लिए है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब हमने कहा कि प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, फर्स्ट नंबर पे मल्टीप्लिकेशन की,
डिवीजन की और परसेंटेज की, ठीक है। या इसको हमने बताया था अभी पिछले वीडियो लेक्चर में, मॉडुलस ऑपरेटर कह लीजिए, मॉडुलर डिवीजन। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी तो होती है मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, और ये इसको लिख दीजिएगा आप यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम लिख नहीं रहे हैं, और मॉडुलस ऑपरेटर जिसमें रिमाइंडर देता है रिजल्ट, ठीक। उसके बाद प्रायोरिटी में आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद प्रायोरिटी में आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी अर्थमेटिक, अच्छा ये जो ये तीनों जैसे एक ही प्रायोरिटी पे हैं, ये दोनों एक ही प्रायोरिटी पे हैं, इनमें से कौन पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इनमें से पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा। तो जनरली क्या करते हैं कि लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर, लेफ्ट टू राइट करने पे जो ऑपरेटर पहले आता है वो ऑपरेशन पहले कर देते हैं। वैसे जब ये सेम प्रायोरिटी पे हैं तो आप अगर इनको, चाहे आप इसको पहले कर लीजिए, चाहे इसको कर लीजिए, चाहे इसको कर लीजिए, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये होता है ऑपरेटर्स की हायरार्की सी स्टेटमेंट के अंदर, कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है आपकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर की, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद क्या है कि अब इसमें एक दो केस और आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। जैसे पहले चीज पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं तो विद इन पैरेंथेसिस, ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर है तो भी ये जो आपको हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स दिया हुआ है वो फॉलो होगा, ठीक है। विद इन पैरेंथेसिस भी इसी ऑर्डर में काम हम करेंगे, पहली चीज एग्जीक्यूशन या ऑपरेशन परफॉर्म। दूसरी चीज क्या है कि वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर टू यूज पेयर्स ऑफ पैरेंथेसिस, ठीक है। तो जब भी आप पैरेंथेसिस यूज कीजिए तो आपको मालूम है कि अगर आपने ब्रैकेट शुरू किया है तो ब्रैकेट आपको खत्म भी करना है। तो वो यू कह रहा है कि वी शुड ऑलवेज यूज पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए से आपको कोई एग्जाम्पल, हमने कहा से आई इक्वल टू दिया हुआ है, हमने कहा 2 × 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8, और आई में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और आई आई इज एन इंटीजर ये लिखा हुआ है। अब इसको जो हमने आपको हायरार्की ऑफ ऑपरेशन बताया है उस हिसाब से जब आप इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि देखिए लेफ्ट टू राइट आप चलिए, ठीक। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है, ये डिवीजन है, और ये डिवीजन है, ठीक। यानी देखिए समझने की कोशिश कीजिए, बारीक चीज़ बता रहा है, ये और ये चारों फर्स्ट प्रायोरिटी के हैं, ठीक। अब चारों में कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, तो अभी हमने आपसे कहा था कि लेफ्ट टू राइट आप चलिए और उसको पहले एग्जीक्यूट कर दीजिए जो पहले पढ़े। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ रहा है तो इसको सबसे पहले तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6, और बाकी आप ऐसे लिख दीजिए बाई 4 + 4/4 प्लस 8 − 2 प्लस 5/8। यानी यहाँ हम आपको समझने के लिए लिख दे रहे हैं कि कौन सा ऑपरेशन हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पहले हो गया, ठीक। फिर अब इस पे देखिए, तो अभी भी ये डिवीजन, ये डिवीजन, ये डिवीजन, अभी हम प्लस माइनस तो छू ही नहीं सकते, पहले इनको खत्म करें। तो अब ये डिवीजन, ये डिवीजन, ये डिवीजन, तो इसमें पहले आप ये डिवीजन ऑपरेट कर दीजिए, ठीक है। तो 6/4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 × 4 आएगा, ये डिवाइड करेंगे आप तो ये हो गया 1 + 4/4 प्लस 8 − 2 प्लस 5/8, ये आ जाएगा। यानी कौन सा ऑपरेशन
ऑपरेशन हुआ, डिवीजन ऑपरेशन एक हो गया। अब दूसरा डिवीजन ये करिए, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 8 - 2 + 5 / 8, यहाँ पे भी ये डिवीजन ऑपरेशन हुआ। उसके बाद अब क्या होगा, अब ये वाला डिवीजन जाएगा, तो हमने कहा 1 + 1 + 8 - 2 + 5 / 8 आप करेंगे तो इंटीजर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक, अब देखिए केवल प्लस बचा और माइनस बचा। अब ये सेम हायरार्की पे है, अब लेफ्ट से चलिए आप, जो यानी एक डिवीजन यहाँ पे हो गया, अब लेफ्ट से यानी पहले ये वाला प्लस ऑपरेट होगा ये वाला। ठीक, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 + 8 - 2 + 0 लिखा हमने। ठीक, अब ये वाला प्लस ऑपरेट कर दीजिए, तो 2 + 8 कितना हो गया, 10 - 2 + 0 हो गया। अब ये माइनस ऑपरेट कर दीजिए, तो 8 + 0 हो गया। अब इसके बाद ये प्लस ऑपरेट कर दीजिए, 8, यानी आई बराबर आंसर क्या आ गया, आई इक्वल टू ये आंसर आ गया। तो यही ध्यान रखिएगा प्रोग्रामिंग के में, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप, कि कंप्यूटर को हर एक चीज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज, आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। जहाँ इंस्ट्रक्शन उसको नहीं मिलेगा, वहाँ या तो वो एरर रिजल्ट दे देगा, और या तो कुछ ना कुछ फिर वो प्रोग्राम एरर दिखा देगा। तो यही चीज़ मैंने आपको समझानी थी, कि सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर करते हैं, और हाईएस्ट प्रायोरिटी में भी अगर मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले आ गए, तो लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, और जो पहले आ जाएगा उसको कर देंगे। तो इस तरह से इसको एग्जीक्यूट होते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। से सपोज कीजिए आपको ये दिया हुआ है, से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये दिया हुआ है आपको कि कोई वेरिएबल है से के, ठीक है, के इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 / 2 * 4 + 3 / 8, और क्या डिफाइंड है, ये डिफाइंड है कि फ्लोट इज ए, सॉरी चलिए के, हाँ हाँ के इज ए फ्लोट वेरिएबल, ये डिक्लेयर्ड है। क्लियर, अब हमें इसको, जब हम इसको एग्जीक्यूट करें, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हायरार्की को ध्यान में रखते हुए, तो देखिए ये डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, ये तो सेम हायरार्की के हैं, ये प्लस जो है सेकंड नंबर की हायरार्की का है। तो पहले, सबसे पहले सेम हायरार्की वालों में ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आ जाए, तो ये पहले आ रहा है ना। तो पहला स्टेप ये होगा कि 3 / 2, तो 3 / 2 कितना आ जाएगा, आप डिवाइड करोगे 1, फ्लोट पार्ट छोड़ दे रहे हैं उसका, तो 1 * 4 + 3 / 8, कौन सा ऑपरेशन हो गया, डिवीजन ऑपरेशन हो चुका। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में अभी ये इंटू है, ये डिवीजन है, तो पहले इंटू ऑपरेट हो जाएगा, तो 4 + 3 / 8। ठीक, तो यहाँ पे इंटू ऑपरेट हो गया। फिर हमने कहा कि साहब अब तो प्लस और डिवीजन में डिवीजन का हायरार्की ज़्यादा है, तो पहले डिवीजन ऑपरेट होगा, तो 4 + 3 / 8 आप करोगे, 0 इंटीजर बचेगा, 0 आया। ठीक, और 4 + 0 कितना आ जाएगा, 4 आ जाए, यानी यहाँ पे क्या ऑपरेट हुआ, डिवीजन, और यहाँ पे ऑपरेट हुआ प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीन है वो ये है कि आपको जो हायरार्की है ऑपरेटर्स की, वो अगर आप मेंटेन करते हुए चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें देखिए, जैसे पिछली एग्जाम्पल में भी या इस एग्जाम्पल में भी आप ये कहेंगे कि सर 3 / 2 तो 1.5 होता है, आपने 1 ले लिया, या इधर आएंगे 3 / 8 तो 3 / 8 आप कहेंगे सर ये तो 0. मान लीजिए 30 हो गया, 8 * 4 = 32, 8 * 3 = 24, ये इतना करीब आएगा, आपने इसको भी 0 ले लिया, ऐसा क्यों किया? तो ऐसा हमने इसलिए किया कि देखिए 3 और 8 क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये क्या है, ये इंटीजर है, और अभी हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि जब दो इंटीजर्स के बीच में कोई ऑपरेशन होगा तो इंटीजर ही रिटर्न करेगा, तो इसलिए हमने 1 लिया है, इसीलिए यहाँ पे भी हमने 0 लिया है। और हमने ये भी बताया था कल वाले लेक्चर में कि मान लीजिए
यही चीज अगर ये होती थ्री और डिवाइडेड बाय 2.0 होता तो क्या करता, वो इस इंटीजर वैल्यू को पहले अपग्रेड करता, इसको 3.0 करता और तब जाके आपको ये 1.5 रिजल्ट देता। तो इसलिए कल कल के लेक्चर में बताया था कि इंटीजर इंटीजर में ऑपरेशन होगा, इंटीजर मिलेगा, रियल रियल में ऑपरेशन होगा, कल वाला लेक्चर आप रिफर कर लीजिएगा, रियल मिलेगा, और अगर इंटीजर और रियल में ऑपरेशन होगा तो भी रियल मिलेगा। तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती चले, आपका कुछ छूटे नहीं। और तो ये इस तरह से दिस इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस। इसी हायरार्की में किसी भी अर्थमेटिक स्टेटमेंट को आपने सी में लिखा है, चाहे वो जितना बड़ा है चाहे जितना छोटा है, इसी हायरार्की को फॉलो करते हुए वो उसको जो है कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू देता है। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।